क्या खबरें आ रही है। कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या हुआ, इतना क्यों झल्ला रहे हैं आप? सुने ना, आजकल के यूथ खुद तो वोट देते नहीं और दोष सरकार में निकालते हैं। आपको क्यों इतनी देश और दुनिया की चिंता हो रही है? घर की चिंता तो नहीं है आपको? घर में ऐसा क्या हो गया? घर में क्या हो गया, आज बेटी 18 की हो गई है, उसकी शादी उदी करानी है या नहीं? 18 साल में शादी? क्या बोल रही हो तुम? अरे आप भूल गए का, हमारी जब शादी हुई थी तब हम 17 के थे। सुने ना, वो जमाना और इस जमाने में बहुत बड़ा फर्क है। उस जमाने में लड़कियां घर से कहां बाहर निकलती, लेकिन आज की लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड हो गई, फोकस्ड हो गई हैं अपने कैरियर पे। उनको स्वतंत्र रहने दो, अपनी जिंदगी जीने दो, 18 साल में शादी नहीं होती। आपका और आपका इस जमाना मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग गुड़िया। पापा भूल गए ना? नहीं बिल्कुल नहीं भूला, आज मेरी गुड़िया का बर्थडे है और मेरी गुड़िया 18 साल की हो गई है। हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। अच्छा पापा, मैं 18 की हो गई ना, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? जो तुम मांगो। सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे। बेटा इसमें सोचना क्या है, तुम्हारा पापा कभी किसी बात से मुकरा है? हाँ मुकरे तो नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज जो आपसे मांगने वाली हूँ वो सुन के आप मुकर जाएंगे। अब ऐसा क्या मांगने वाली हो? शादी उदी करा देगा तुम्हारी। अरे क्या मम्मी, आप शादी शादी करते रहते हैं, आप ही कर लीजिए शादी। ना बेटा ना, मम्मी को मेरे ही पास रहने दो, ऐसे मेरे अलावा इसको झेलेगा कौन? सही पकड़े पापा। अच्छा चलो मम्मी को छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा अब आप जब जानना ही चाहते कि मुझे क्या चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ। पापा मैं 18 की हो गई ना। हाँ बिल्कुल। तो आप मेरा वोटर आईडी कार्ड बनवा दीजिए। वोटर आईडी? अरे मांगा भी तो क्या, मोबाइल मांग लेती, घड़ी मांग लेती, ड्रेस मांग लेती, वोटर आईडी क्यों? वो इसीलिए पापा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड लोकतंत्र में मुझे मेरी पहचान दिलाता है और मुझे अधिकार देता है मतदान करने और मनपसंद सरकार चुनने का। बहुत सही कह रही है बेटा। सही कुछ भी नहीं कह रही है, आप दोनों एकदम बिल्कुल गलत हैं। अरे बेटा अभी तुम वोटर आईडी कार्ड बनवा के क्या करोगे बताओ? तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम दूसरे शहर दूसरे मोहल्ले, तुम्हारा पति का सारा विवरण सब कुछ तो चेंज हो जाएगा बेटा। इस बार तुम अकल वाली बात की हो। हम तो हमेशा अकल की बात करते हैं, आपको ही देर से समझ में आती है। सही पकड़ी हो मम्मी। नहीं बेटा, मम्मी इस बार वाकई सही पकड़ी है। वोटर आईडी कार्ड रोज रोज नहीं बनता और इसमें चेंजेस में बहुत झमेले हैं बेटा। झमेले के बाद भी इसमें चेंजेस होगा कि नहीं होगा नहीं जान सकते, तो बेहतर होगा कि तुम्हारी शादी हो जाए, तुम अपने ससुराल चली जाओ और उसी पते ठिकाने के साथ तुम्हारा वोटर आईडी बने, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी भर का है बेटा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। नहीं पापा ये सब पुरानी बातें हैं, वोटर आईडी कार्ड बनना बहुत ही आसान हो गया है। वो कैसे? मुझे पता था आप सभी यही पूछेंगे। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए केवल आपको एक मोबाइल फोन और कंप्यूटर की जरूरत है, जिसमें आपको www.nvsp.in पर जाकर फॉर्म 6 को भरना पड़ेगा और फॉर्म 6 को भरते वक्त कुछ कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे। जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ। अच्छा, और अधिक जानकारी के लिए आप वोटर आईडी कार्ड के हेल्पलाइन नंबर 1950 पे कॉल भी कर सकते हैं। तू तो बड़ा समझदार हो गया। हाँ पापा, अब ग्रेजुएट जो हो गया हूँ। और 18 वर्ष होते ही अपना वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लिया था और पिछले इलेक्शन में अपना पहला वोट भी दिया है। बहुत सही बेटा, लोकतंत्र की यही पुकार, मतदान करना हमारा अधिकार।